बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो बहुत ही आसान, जो हम घर में बना सकते हैं, मालपूरे की। मालपूरे की रेसिपी आसान इसलिए बता रही हूँ ताकि ये बारिशों के मौसम में आप घर में आसानी से बना सकें। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 3 अदद अंडे लिए हैं, 3 अदद अंडे मैंने ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अंडों में मैं डाल दूँगी ये 1 कप चीनी, जो कि मैंने पीसी नहीं है, ऐसे ही ले ली है, और ये 1 कप चीनी भी मैं इसी में डालकर और मिक्स कर लूँगी। अंडे और चीनी को मैंने कुछ देर मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध, जो कि मैं ये सारा दूध नहीं डालूंगी, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के और इसे अच्छी तरह से फेंट लूंगी ताकि चीनी जो इसमें है ये भी इसमें हल हो जाए। अंडा, चीनी और दूध मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और दूध मैंने इसमें सारा अभी नहीं डाला है। अब मैं ले लूंगी इसमें ये 1 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया है और ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए, मैंने सारा मैदा इसमें मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये मालपुरे का एक बैटर सा तैयार करना है। और अब मैं इस बैटर में थोड़ा सा जर्दे का कलर, जितना हमें चाहिए, जितना हमें कलर पसंद हो हम इसमें ले सकते हैं। मैं इतना मिक्स करके देखती हूँ इसमें। ये देखें नाज़रीन, कलर मुझे यही अच्छा लग रहा है। और इतना मैदा घोलने के लिए मैंने, देखें आप कि दूध कितना मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें कितना गया है। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ढककर कवर करके छोड़ दूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह मालपूरे बनाते हुए आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने मालपूरे का बैटर बिल्कुल तैयार कर लिया है और ये इस तरह से गाढ़ा है। और कोई भी आप गहरा चम्मच ले लें और फिर उससे आप मालपूरे डालें। उसके लिए मैंने घी फ्राई पैन में गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें मालपूरे डालने लगती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, और मैं बहुत बड़े बड़े मालपूरे नहीं बनाऊंगी, छोटे ही साइज़ के बनाऊंगी। आप चाहें तो बड़े बना सकते हैं। ये देखें आप, ये खुद ब खुद इस तरह से फैल भी जाएंगे। मालपूरे डालने के बाद इनको फौरन से नहीं पलटेंगे हम, कुछ देर के बाद। और ये देखें आप कि मैंने बहुत बड़े बड़े नहीं डाले हैं, आप चाहें तो एक बड़े साइज़ का भी डाल सकते हैं इसमें। और ये कुछ नीचे से पक जाते हैं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इनको पलट दूंगी। ये देखें नाज़रीन, इनको पकाते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और अब मैं इनको पलट दूंगी और पलट कर भी इनको थोड़ा सा पकाऊंगी। ये देखें आप, अच्छा, मालपूरे में चीनी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इसलिए मैंने आपको दी है। मालपूरे बहुत तरीके से बनते हैं, अगर आप चाहें तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरे तरीके से भी आपको दिखाऊंगी मालपूरे। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मालपूरे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें आप, और बस इंशाल्लाह इसी तरह से मैं ये सारे बनाकर और आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे मालपूरे बिल्कुल तैयार हैं। सिंपल, सादा और आसान सी रेसिपी मैंने आपको दी है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक भी दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली और नई रेसिपी में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।